नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों से बात करो, और देश का जो एक बाबा ताबा जो फक्की चूर्ण बेचते हुए पता नहीं कितने संपत्ति का मालिक, देश की आजादी में जितना खून हिंदू भाइयों ने बहाया मुसलमानों ने भी बहाया। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, बाबा रामदेव को बताना चाहिए कि उनके बाबू हैं अब्दुल कलाम। बहुत दिन से जानता हूं, ये फक्की चूर्ण बेचते थे, आंदोलन में गए, कह रहे थे मैं भागने का काम नहीं करूंगा, लेकिन यही बाबा रामदेव थे जो औरत का कपड़ा पहन के मंच से भाग रहे। रामदेव जी के संपत्ति का जांच कराओ, जो उन्होंने विवादित बयान दिया उस पर केस करके उसको तिहाड़ जेल में भेज दिया। कैसे मरकल से नरेंद्र मोदी के साथ घूमने का काम करेगा, अन्यथा ऐसी बातों पर कोई मुसलमान विश्वास करने का। मुसलमान पांच वक्त का नमाज पढ़ता है, बलात्कार करता है, जिहाद करता है। बाबा रामदेव जी इस तरह से बात करना बंद करो, और नहीं तो बाबा रामदेव का एक बयान काफी चर्चा में है। बाबा रामदेव ने मुसलमानों के ऊपर ऐसा बोल दिया कि अब मुसलमानों का गुस्सा आग बबूला हो गया है। हम राजधानी पटना में है, कैसन अनवर साहब हमारे साथ है, आरजेडी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नमाज वगैरह पढ़ते हैं? 100% जुमा का तो पढ़ते हैं। अच्छा, पांच टाइम का नहीं पढ़ते? नहीं नहीं, पांच टाइम अभी नहीं, राजनीति में उतना संभव नहीं। अच्छा, बाबा रामदेव तो बड़ा बयान नमाज पे टिप्पा टिप्पणी कर दिए, कुछ पता है आपको? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री सहित इस देश के स्वास्थ्य मंत्री से मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा रामदेव का मुफ्त में मानसिक इलाज कराने का काम, उनको जानकारी नहीं है नमाज जो पढ़ता है वो नमाजी होता है, वो बलात्कारी नहीं होता। बाबा रामदेव को बताना चाहिए कि आसाराम बापू कौन केस में जेल में है। बाबा रामदेव को देश की जनता को बताना चाहिए कि राम रहीम कौन से आरोप में जेल में है। इस तरह का विवादित बयान देकर बाबा रामदेव पलटवार कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारा पर हो रहा है। 2024 की तैयारी हो रही है। बाबा रामदेव जी को बताना चाहिए इस देश की आजादी में जितना खून हिंदू भाइयों ने बहाया मुसलमानों ने भी बहाया। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, बाबा रामदेव को बताना चाहिए कि उनके बाबू हैं अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल बनाने का काम किया। इस देश की रक्षा के लिए हमेशा मुसलमानों ने पूरे ईमानदारी के साथ देश का भारत का साथ देने का काम किया है, इसलिए नमाज पर विवादित बयान देकर मुसलमानों को उकसाने की बात नहीं हो रही है। इस देश में हिंदू भी सेकुलर हैं, तमाम सेकुलर जो चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, वो तमाम लोग इस तरह बाबा और ताबा के बयान से घबराए हुए हैं। फिर क्या जरूरत पड़ गई बाबा इस तरह से बोल दिए? देखिए, बाबा को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, ये फक्की चूर्ण बेचते थे, आंदोलन में गए, कह रहे थे मैं भागने का काम नहीं करूंगा, लेकिन यही बाबा रामदेव थे जो औरत का कपड़ा पहन के मंच से भागने का काम किए। और इस तरह से इन्होंने जो आज कहा कि लोग मुसलमान नमाज पढ़ के बलात्कार करते हैं, इन्होंने तमाम औरतों का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है, और इस देश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। मुजफ्फरपुर में केस हो गया है, मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, लगातार केस होगा। अभी नरेंद्र मोदी जी आके कहते हैं कमन चुपे कि मुसलमान से मिलने का काम करो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मीडिया में कुछ बोलते हैं, मंच पर कुछ बोलते हैं, और घर में आके साजिश रचते कि मुसलमानों का अपमान करो, हिंदू का वोट मुफ्त में पाने का काम करो। आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ, कैस अनवर कोई विवादित बयान देगा तो 24 घंटा के अंदर कैस अनवर जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों से बात करो, और देश का जो एक बाबा ताबा जो फक्की चूर्ण बेचते हुए पता नहीं कितने संपत्ति का मालिक बन गया, नरेंद्र मोदी जी में हिम्मत है तो बाबा रामदेव जी के संपत्ति का जांच कराओ, जो उन्होंने विवादित बयान दिया उस पर केस करके उसको तिहाड़ जेल में भेजने का काम करो। तो कैसन मरकल से नरेंद्र मोदी के साथ घूमने का काम करेगा, अन्यथा ऐसी बातों पर कोई मुसलमान विश्वास करने का काम नहीं करेगा। एक तरफ आप के मुसलमानों के हितों की बात करते हो, और दूसरे तरफ बाबा रामदेव जैसे मुसलमानों के नमाज पर उंगली उठवाने का काम करते हो, ये देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इससे पहले कई बाबा थे जिनके ऊपर उंगली उठा,
लेकिन ऐसे में बाबा ने जिस तरीके से हमला बोला है, क्या तो बाबा रामदेव को ने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि आसाराम बापू कौन से आरोप में जेल में है? बाबा रामदेव जी को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि राम रहीम कौन से आरोप में जेल में बंद है? आप उन पर सवाल नहीं उठाते, आप लगातार कह देते हैं कि मुसलमान पांच वक्त का नमाज पढ़ता है, बलात्कार करता है, जिहाद करता है। बाबा रामदेव जी, इस तरह से बात करना बंद करो, और नहीं तो इस देश में सिर्फ मुसलमान ही सेकुलर नहीं है, हिंदू भी सेकुलर है, और तमाम सेकुलर लोग आपसे सवाल पूछने का काम करेगा, आपको घर में दुबकाने का काम करेगा। ये बाबा सत्ता लोभी हो गया, ये रामदेव हाफ पैंट पहन के ऐसे ऐसे पेट फुला के ये सत्ता लोभी हो गया। नरेंद्र मोदी इसको यूज करेंगे, इसको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, और टिकट मिल भी जाएगा तो जो हिंदू सेकुलर लोग हैं वो भी बाबा रामदेव को धूल चटाने का काम करेंगे। इसलिए कि देश की संस्कृति है, गंगा जमनी सजबी है। इस देश में जितना आजादी में हिंदू भाइयों ने अपना सहयोग किया, मुसलमान ने भी काम किया। एक मिसाइल मैन जाने चाहते हैं अब्दुल कलाम साहब, और मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में ऐसे लोगों को गुंजाइश नहीं है, वैसे लोगों को वापस जाना होगा, कहीं रामदेव जी मठ देख लें। 2024 में देश की जनता इनको मठ में भेजने का काम करेगी।